हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए मीशो की तरफ से बहुत ही अच्छी फ्रेशर हायरिंग है जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो गाइस, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली है मीशो कंपनी ने। आप लोग जानते होंगे मीशो के बारे में, तो अच्छा आप लोगों को नॉलेज होगी, काफ़ी सारे शॉपिंग भी करते होंगे। तो इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप लोग आ पाते हैं या ग्रेजुएशन है, एनी ग्रेजुएशन है कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला। सैलरी 30K समथिंग, 3.656 LPA पर NM, ठीक है। वर्क फॉर्म होने वाला है, क्या होने वाला है, पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव है, तो फुल इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस आप लोगों को। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव के आप लोग कैसे अप्लाई करना है और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है इसका कंपनी का, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है गाइस। और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए वहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज डली हुई हैं और ऑनबोर्डिंग की न्यूज़ है रिगार्डिंग द कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी हो गया हमारा, हो गया LTI, माइंडट्री हो गया है, और हमारे हो चुके हैं जितने की एम्फेसिस की अभी रिसेंटली में ज्वाइनिंग चल रही है, डांसर हो गया है, जितनी भी कंपनियां हैं उनके बारे में पूरी अपडेट दिए रखा हूं मैं वहां पर, और खुद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, ज्वाइनिंग कब हो रही है, ले ऑफ, रिसेशन के जो कुछ वीडियो हैं, आप लोगों का रिसेशन क्या हो रहा है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीडियो। अब आते हैं ऑफ कैंपस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। करेंटली इन अ बैचलर एंड अ मास्टर डिग्री इन अ लॉ, ठीक है। करेंटली इन बैचलर और मास्टर डिग्री इन लॉ, ठीक है, बैचलर में हो या मास्टर डिग्री इन लॉ। प्रिफर्ड स्किल एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल टू इंटरेक्ट द प्रेजेंट फाइंडिंग अ टीम मेंबर, ठीक है, टीम मेंबर के साथ में हुआ था, कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल टू इंटरेक्ट एंड प्रेजेंट फाइंडिंग टू टीम मेंबर्स की, अटेंडेंस टू डिटेल एंड फॉलो द थ्रो द स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, टीम के अंदर जो पार्ट करोगे उसमें आपकी कम्युनिकेशन मेन बार आती है यहाँ पे, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और विद अगर और भी कोई आप लोग के अगर स्किल्स हैं, आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया रखा हुआ है विद कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में कोई भी हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, आप लोग रेज्यूमे कंपनी के हिसाब से भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी की स्किल्स होती है उसके तरीके से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। कंपनी नेम है मीशो है, पोस्ट नेम है इंटर्न है, 30K पर मंथ एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट है। जॉब लोकेशन गाइस बैंगलोर, हमारी जॉब लोकेशन बैंगलोर, IT सिटी है, हब है पूरा, बैच 2023 फ्रेशर स्टूडेंट हैं, और लास्ट डेट इसकी अभी तक रिवील नहीं की गई है, तो जितने जल्दी आप लोग गाइस मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है वहाँ से अगर आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, और भी कहीं आप लोगों को वीडियो देखने को मिला होगा तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.meesho.com, वहाँ पर भी आप लोग फॉर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं विद डिटेल के साथ में। तो पूरा मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कैसे इन्फॉर्मेशन भरनी है, आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, लिंक्डइन के थ्रू करना है आप लोगों की, बहुत ही ईजी स्टेप है, जस्ट 2 स्टेप में आप लोगों को प्रोसेस फिल करनी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय टेक्निकल NHR इंटरव्यू। फर्स्टली आप लोगों का जैसे रेज्यूमे आप लोगों का शॉर्टलिस्टेड होता है, अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा तो यू विल गेट द मेल ऑन फ्रॉम द ईमेल साइड कंपनी साइड। After that you have the selection process under based on the written test. Written test के अंदर आप लोगों का aptitude होगा, regional eligibility हो जाएगा, काफ़ी सारे questions हो जाएंगे, within hour का होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी बताऊंगा गाइस आप लोगों को, ठीक है। फिर उसका टेक्निकल राउंड होगा हमारा, TR राउंड होगा, TR राउंड में आप लोगों के बेसिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रिगार्डिंग द स्किल्स, प्रोजेक्ट हो गया है, मेंशन होगा जो भी आपके रेज्यूमे में अपडेटेड होगा उसी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं HR और MR दोनों राउंड कंबाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें होता है हमारा HR। अब देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे वहाँ भी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इंटर्न लीगल बैंगलोर कर्नाटका फाइनेंस लीगल एंड PR अबाउट द टीम बी नोट यूर द मीशो हेल्प 9 मिलियन, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है गाइस, फाइनेंस लीगल PR लीगल इंटर्न हाइब्रिड की जॉब होने वाली है, बैंगलोर लोकेशन है, कर्नाटका है, सबमिट योर एप्लीकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू भी आप लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं, और आप लोगों को रेज्यूमे और जो CV अपडेटेड होगा उसमें अपलोड करके आप लोगों को जस्ट रिलोकेटेड बैंगलोर का ऑप्शन आएगा वहाँ पे यस कर दीजिएगा गाइस। और आप लोग अगर कब ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, अप्रैल या मई, तो उसकी भी आप लोग हो सकता है, ठीक है गाइस। तो इन्फॉर्मेशन थी गाइस मैं आप तक बता दूँ, तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, थैंक यू।